ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते हैं, एक ऐसा देश जहाँ न जाने कितने ही साधु संतों ने जन्म लिया और इस धरती को धन धन्य कर दिया। इसी तरह आज से कई वर्षों पहले बिहार के पटना में जन्म हुआ एक ऐसे संत मनीषी का, जिनके जीवन का केवल एक उद्देश्य था, हरि नाम का प्रचार प्रसार करना। जी हाँ, परम पूज्य स्वामी श्री मधुमंगल दास जी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। महाराज श्री का बचपन का नाम सरदार जी था, लेकिन उनकी माँ प्यार से विनोद या विनोदवा बुलाती थी। महाराज श्री की माता का नाम सावित्री देवी और पिता का नाम रामदेव जी था। महाराज श्री के माता पिता दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। हरि के नाम का स्मरण सुन सुन कर ही गुरु जी का बचपन बीता, जिस कारण बचपन से ही महाराज श्री का ध्यान धार्मिक कार्यों में लग गया। ईश्वर के नाम के स्थान के साथ साथ ही महाराज श्री ने अपनी शिक्षा पटना के हाई स्कूल से पूरी की और फिर मुंबई में आकर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन को समर्पित हो गए। महाराज श्री पिछले 18 से 20 वर्षों से मुंबई से सटे वसई तालुका नाला सोपारा विरार में आकर रहने लगे और कृष्ण नाम संकीर्तन, भागवत कथा तथा अनेक धार्मिक कार्यों द्वारा हरि के नाम का प्रचार प्रसार का कार्य शुरू कर दिया। और हरि के नाम का प्रचार प्रसार गुरुजी ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया। गुरुजी अब तक देश विदेश में 500 से अधिक कथाएं कर चुके हैं और अपना गृहस्थ जीवन भगवान की सेवा कथा प्रचार में समर्पित कर चुके हैं। ऐसे पूज्य ओजस्वी कथाकार स्वामी श्री मधुमंगल दास जी महाराज से धर्म ग्रंथों पर आधारित कथा के आयोजन करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7021472191, 9920949 4965 6। साथ ही आप पूज्य महाराज श्री को YouTube या Facebook पर CHSH Foundation टाइप कर कथा का लाभ ले सकते हैं। हम लोग हमेशा प्रसन्न रहे और हम सब बिल्कुल उस गुलाल की तरह, उस गुलाब के फूल की लालिमा की तरह हम सब भी आनंद की लालिमा में हमेशा रहे। सूर्य के प्रकाश की जो लालिमा होता है, प्रकाश में रहे, हमारे जीवन से सारा अंधकार चला जाए। और जितने भी प्रकार के संसार में किसी ना किसी के साथ कुछ द्वेष रहता है, कभी कभी आपस में मन मुटाव रहता है, वो सब भी ये होली के दिन में देखा जाता है कि लोग आपस में प्रेम के साथ मिलते हैं और सारे जो भी छोटे मोटे आपसी जो वैमनस्यता रहता है, जो कलह रहता है, उसको दूर कर लेते। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये सिर्फ इसके लिए होली का क्यों इंतजार करें कि होली आएगा उस दिन, क्यों ना हमेशा भगवान के प्रकाश में, भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है, भगवान के शरीर से जो तेज निकलती है, जो लालिमा निकलता है, वो एक सूर्य हजारों चंद्रमा जितना नहीं है, करोड़ों करोड़ सूर्य अगर एक साथ निकले तो भी फीका होता है, भगवान इतने तेजों में। तो क्यों ना उनके तेजों में शरीर से जो प्रकाश निकलता, उस प्रकाश में जिया जाए और आनंद से रहा जाए। आप सब जानते हैं कुछ संस्थाएं सिर्फ उस प्रकाश तक ही पहुंच पाता है, वो प्रकाश इतना तेज है कि वो प्रकाश कहां से आ रही उनको मालूम नहीं। वो कहते हैं भगवान नहीं है, भगवान निराकार है, ये जो प्रकाश है यही सब कुछ है। उनको गीता का ज्ञान नहीं कि ये भगवान के शरीर का तेज मात्र है। जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश कोई देख ले और बोले नहीं सूर्य लोक नहीं, सूर्य देवता नहीं, सिर्फ प्रकाश है, तो ये क्या संपूर्ण ज्ञान है कि अधूरा है? कोई ये बल्ब देख ले, ये जो लाइटें जल रही है हैलोजन बड़े बड़े, और इसके प्रकाश को देखे बस प्रकाश आ रहा है, ये ना समझे कि उसके पीछे एक बल्ब है, बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, पूरी एक मैकेनिज्म है। ये पूरा ज्ञान है कि उसमें कहीं से लाइट दी जाती है तो ये जलता है, उसके अंदर फिलामेंट्स होते हैं, गैस होते हैं, और आजकल तो क्या डिजिटल बल्ब, क्या उसको बोलते हैं, एलईडी
है ना, एलईडी आ गई, एलईडी सिस्का, मैं उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन एलईडी आ गई। एलईडी के पीछे पूरी एक मैकेनिज्म होती है, कोई एलईडी का प्रकाश देख के सिर्फ समझे कि भाई ये प्रकाश ही है, उसके अंदर जो मैकेनिज्म है, उसके पीछे जो लोग हैं, अगर उसकी जानकारी नहीं तो अधूरी जानकारी है, अज्ञान है कहीं ना कहीं। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो कहते हैं निराकार है भगवान, बड़ा साधारण है समझना, भगवान निराकार है या आकार है, हम उसी अध्याय में है, कृष्ण को ही जानने बैठे हैं, कृष्ण क्या है, क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या सब कुछ है, क्या सब कुछ उन्हीं से आया है, उनके सिवा कुछ है ही नहीं, क्या ऐसा ही है, ये हम सब जानेंगे ठीक ठीक। तो कृष्ण हमारी अधूरी जानकारी कम है, वो कहते हैं निराकार, ऐसा नहीं है, आप भगवत गीता पढ़िए, उसमें मालूम पड़ेगा, हम सबको ये सुंदर शरीर मिला है, ठीक है, मिला है ना, किनसे मिला है, अपने माता पिता से मिला है, अपने माता पिता का शरीर था या वो निराकार थे, बोलिए, हम लोगों के माता पिता को भी शरीर था या माता पिता निराकार हैं या थे, उनको भी शरीर था, आकार था, आपके जैसे ही थे, कई बार तो लोग बोलते अपने पिताजी पे गया है, और कई लोग प्रेम में बोलते अपने माँ पे गया है, बोलते है कि नहीं, मतलब पूरा पूरा आकार उनके जैसा ही है, उनके पिताजी का भी उनके जैसा आकार था, उनके पिताजी का भी उनका ऐसा ही था, और जो परम पिता है वो भी आकार वाले, राम और कृष्ण जो परम पिता परमेश्वर है, पूरे आकार में आए वृंदावन अयोध्या में, आए कि नहीं आए, लेकिन कुछ बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान कहें या सीधे सीधे कह दे, बुद्धिमानी कहते रेस्पेक्ट करना जरूरी है, और निवेदन भी करे कि सीख लो गीता पढ़ के, बहुत अच्छी बात है, और नहीं सीखा तो कहीं गीता सिखाई जाती है उनका संग करिए सीख जाएंगे, अरे हमारा बात नहीं मानिए, इनका नहीं मानिए, उनका नहीं मानिए, भगवान को तो मानिए, भगवान से ऊपर क्यों बैठ जाते हो आके। तो कहते भगवान निराकार है, वो ज्योति है, वही भगवान है, उसके आगे कुछ उसके पीछे कुछ नहीं है, ये पूरा पूरा भगवत गीता के अनुसार, भगवान कृष्ण के इस उपदेश के अनुसार ये एकदम बोगस है, बोगस बिल्कुल गलत है। भगवान साकार हैं और पूरे साकार रूप में कई बार भगवान अवतार लेते हैं, बार 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 भगवान बारंबार अवतार लेते। भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब मुझे भक्तों की रक्षा करना होता है, दुष्टों का नाश करना होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ और बिल्कुल आकार में आता हूँ, कभी धनुष लेके आता हूँ, तो कभी चक्र लेके आता हूँ, तो कभी महामंत्र लेके आता हूँ, लेकिन आता हूँ तो पूरे आकार में आता हूँ, आता हूं तो पूरे आकार में आता हूं। तो ऐसे कई बहुत सारे धर्म, बहुत सारे ज्ञान संसार में परोसे जा रहे हैं, बहुत सारे जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनकी जानकारी अधूरी है, पूरी नहीं है, वो लोगों को अधूरी ज्ञान दे रहे, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन, वो यहां तक तो पहुंचे कि भाई ये ज्योति तक तो पहुंच गए, भगवान की ज्योति है, चलो वहां तक तो पहुंचे, अच्छी बात यह है कि वेजिटेरियन होते हैं, अच्छी बात यह है कि वेजिटेरियन होते हैं, अच्छी बात यह है कि वो भी समाज में कुछ ना कुछ सेवा का कार्य करते हैं। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट संपूर्ण ज्ञान नहीं है, वो कंप्लीट नॉलेज नहीं है,
बिल्कुल भी आधी अधूरी है, बिल्कुल भी आधी अधूरी है। और साधु संत महात्मा कहते हैं कि चेला शिष्य वही अच्छा होता है जो अपने गुरु जी का ज्ञान को, सही सही ज्ञान को लोगों तक पहुंचाए, गुरु जी के ज्ञान को सही सही लोगों तक पहुंचाए। और तभी संभव हो सकता है जब वो प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में सीखेगा। मैंने कल कहा था जय तत्वेता सही गुरु है, जो कृष्ण को ठीक ठीक जानते हैं वही ठीक ठीक कृष्ण के बारे में बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता। जो गीता ठीक ठीक पढ़ा है वही आपके गीता के ज्ञान को दे सकता है। जिसने गीता छुआ ही नहीं, या पढ़ा ही नहीं, या समझा ही नहीं, या आत्मसात ही नहीं किया, वो क्या बताएंगे, कुछ भी बता देते। और हैरानी की बात तो ये है, आश्चर्य की बात तो ये है कि ऐसी संस्थाएं दुनिया भर में फल फूल रही है, ऐसी संस्थाएं दुनिया भर में फल फूल रही है, और लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोग ऐसे ज्ञान को अपनाते हैं, इन फिलॉसफी को अपनाते हैं, अपना जीवन लगाते हैं। और उसमें ज्यादातर लोग एजुकेटेड भी होते हैं, ज्यादातर लोग वेल एजुकेटेड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बहुत पढ़े लिखे, और ज्ञान उनका अधूरा रहता है, क्योंकि एक गलत संग हो गया उनको, गुरु गलत मिल गए, उन्होंने डीप में जाके, गहराई में जाके जानने की कोशिश नहीं की। कोई आकर्षण में पड़ जाते हैं, कोई प्रलोभन में पड़ जाते हैं, किसी कारण से मोहित हो जाते हैं, और इसी कारण से वो उस जगह में आसक्त हो जाते हैं। शास्त्र में एक चीज है, प्रेयस और श्रेयस। जब अपने शास्त्रों को श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत, भक्तमाल, पुराण, उपनिषद जब आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो वहां एक शिक्षा के लिए बहुत सुंदर विषय है, श्रेयस और प्रेयस। प्रेयस वो वस्तु है जो हमें प्रिय लगता है, हमें पसंद है, उजला उजला कपड़ा, साफ सुथरा रहना, नीट एंड क्लीन रहना, हर कुछ एकदम चकमकाता हुआ, हम वो देख के आकर्षित हो जाते हैं कि बहुत प्रिय लगता है, बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने शायद पहले दिन आप सबको बताया था कि मैं मुंबई 1991 में पहली बार आया था इंडियन नेवी के लिए जॉब में, मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ था बिना किसी एग्जाम के, इंटरव्यू के, क्योंकि मैं नेशनल और इंटरनेशनल स्तर का स्पोर्ट्समैन था। तो मेरा आकर्षण, एयरफोर्स भी नौकरी दे रहा था, वेस्टर्न रेलवे भी नौकरी दे रहा था, सबके कोच पीछे पीछे घूमते थे, क्यों, मैं नेशनल चैंपियन हुआ था, तो जो नेशनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते उनको लोग डायरेक्ट सिलेक्शन करते। तो एयरफोर्स, नेवी, रेलवे सभी नौकरी दे रहे थे मेरी तरफ, आ जाइए। तो मुझे नेवी बहुत पसंद आई, क्यों, उनका ड्रेस बड़ा सुंदर होता था, प्योर वाइट ऊपर से नीचे तक, बहुत नीट एंड क्लीन रहते थे। और फिर समुद्र का एक अलग आनंद होता है, मुंबई में आप सबने देखा होगा कितना आनंद उठाते हैं समुद्र का लोग। तो जो दो आकर्षण था, लेकिन ये पता नहीं था कि अगर कई महीने समुद्र में अगर मुझे ड्यूटी करनी पड़ी तो मैं जलचर हो जाऊंगा, थलचर से जलचर हो जाऊंगा, थल पे रहने वाला जीव अब जल में रहने लगेगा, और फिर जो हालत होगी बहुत कठिन हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग प्रेयस में फंस जाते, कुछ आकर्षण देख के हम फंस जाते हैं और श्रेयस से वंचित रह जाते हैं, जो श्रेष्ठ चीजें हैं उससे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ चीजें हर जगह नहीं मिलती है, जो ऊंची वस्तु है हर जगह नहीं मिलती है। प्योर डायमंड का दुकान इस शहर में कितने हैं, एक भी नहीं होंगे प्योर डायमंड के, होंगे भी तो नकली वाले होंगे, कुछ ना कुछ कोहिनूर हीरा तो नहीं होगा पक्का। लेकिन तरकारी के दुकान कितने और बीड़ी के,
हर घर के नीचे मिलेंगे, हर सोसाइटी में मिलेंगे। तो कोहिनूर ढूंढना है तो बहुत ढूंढना पड़ेगा, बहुत तलाश करना पड़ेगा, जानकारी चाहिए उसके, नहीं तो कोई जानकार पकड़ना पड़ेगा, फिर कोहिनूर तक पहुंच पाएंगे। ऐसे ही धर्म तो बहुत है, संप्रदाय तो बहुत है, संस्थाएं तो बहुत है, शिक्षा तो बहुत बांटे जा रहे हैं, लेकिन कच्चे पक्के आधे अधूरे अज्ञान वाले बांटे जा रहे। जो यथारूप है, प्योर नॉलेज है, प्योर भगवत गीता का जो ज्ञान है, वो कुछ संस्थाएं कर रही हैं। उसमें सबसे ज्यादा श्रेय प्रभुपाद जी को जाता है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने पूरे दुनिया भर में भगवत गीता यथारूप एज इट इज को वितरण किया और लोगों को बताया। अगर भगवान के द्वारा कही गई इस उपदेश को अपने जीवन में धार लिया तो निश्चित रूप से जीवन सफल हो जाएंगे, निश्चित रूप से गारंटी है। और ये जो भगवत गीता है, जो प्रभुपाद जी जिसके जिनका तात्पर्य उन्होंने लिखा है, पूरे दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनी है उसकी, इतने लोगों ने पसंद किया है। क्योंकि स्वयं भी वो कृष्ण तत्वेता थे, भगवान के शुद्ध भक्त परमहंस थे, और लोगों को शुद्ध ज्ञान का वितरण किया, और शूद्र से शूद्र चांडाल मलेच्छ यवन सब उनके शिष्य बने सभी। और वो भी भगवत गीता लेके स्टेशन में, घर घर में, दुकानों में और पूरी दुनिया में लोगों को जाके निवेदन करते, आप भी पढ़िए। और उसी कड़ी में हम लोग, ये जो कांग्रेगेशन भक्त हैं, गृहस्थ भक्त हैं, गृहस्थ भक्तों का जो समूह है, जो समुदाय है, यही कार्य कर रहे हैं। घर घर में जाके भगवत गीता, घर घर गीता, घर घर सीता, गीता का ज्ञान, सबका कल्याण, गीता दान, महादान, यही कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सब बीच बीच में जान रहे, सुन रहे, समझ रहे और देख रहे संसार में कि कितने गुरु, कितने बाबा, कितनी तरह की दवाइयां, कितनी तरह के उपाय, कितनी तरह के चालीसा, कितने तरह के मंदिर, कितने तरह के तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र सारा कुछ परोसा जा रहा है। और जीव प्रेयस होने के कारण जो सूट होता है, मैं कौन सा पहनूं हीरा, कौन सा पहनूं रत्न कि रातों रात करोड़पति हो जाऊंगा। और पंडित जी बता देते हैं, हाँ अगर आप पुखराज पहन लेंगे तो हो ही जाएंगे। और पंडित जी 1,00,000 ले लेते और वो बेचारा करोड़पति तो क्या, 1,00,000 घट जाता उसके करोड़ में से। और अगर मान लीजिए हो भी गया करोड़पति तो क्या हो गया, वो साथ में तो नहीं जाएगा ना, वो करोड़ लेने के बाद शांत चित्त तो नहीं हो जाएगा ना, आनंदमय तो नहीं हो जाएगा ना, ज्ञानमय तो नहीं हो जाएगा ना, भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी, भगवान का प्रेम तो नहीं मिलेगा, भक्त तो नहीं बनेगा ना, भक्ति तो नहीं करेगा ना, भोग करके पाप इकट्ठा करेगा, भोग करके पाप इकट्ठा करेगा और अंत में नरक में जाएगा। तो ऐसे धन का क्या लाभ है, थोड़ा साफ साफ समझिए, साफ साफ समझेंगे तो भूलेंगे नहीं। मैं रटाता हूं, कैसे खुद रटता हूं पहले, और एक तोता रहता है, वो खुद भी बोलता है और दूसरे से भी बुलवाता है। तो मैं प्रभुपाद जी का तोता हूं, प्रभुपाद जी का तोता हूं सुख, लेकिन बड़ा घटिया किस्म का हूं, क्योंकि बहुत कुछ नहीं आता है, कमजोर हूं बुद्धि में। तो रटाते हल्के हल्के शब्दों में, हल्के हल्के तरीके से, ताकि याद हो जाए, भूले नहीं, पूरी नहीं तो आधी हो जाए, आधी नहीं तो उसकी आधी, उसकी आधी नहीं तो सिर्फ महामंत्र याद हो जाए इस 9 दिन में, वही सबका कल्याण का कारण हो जाएगा। तो इस प्रकार से असली जो गुरु है और असली गुरु का जो चेला है, वो क्या काम करता है, वो अपने गुरु के शिष्य, अपने गुरु के ज्ञान को, जो गुरु से उनको ज्ञान प्राप्त होता है, उसको पूरे दुनिया में विस्तार करता है। क्या करता है, पूरे दुनिया में उसका प्रचार करता है, लोगों को बांटता है ये दिव्य ज्ञान को, जिससे लोग सुखी हो जाएं, आनंदित हो जाएं, हमेशा प्रकाश में रहें, ज्ञान के प्रकाश में,
सूर्य की तरह चमकता रहे। इसलिए कई साधु संत महात्मा कहते हैं कि हमेशा सूर्य के तरफ मुंह करके चलना चाहिए। एक बात गहरी है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। हमेशा मुंह सूर्य की तरफ करके चलना चाहिए। उससे क्या होगा, विचार में पड़ जाते हम लोग, उससे होगा क्या? उससे ये होगा, जो अंधकार है, छाया, छाया अंधकार के रूप में दिखता है ना, जो छाया है वो पीछे पीछे चलेगा, आप हमेशा प्रकाश में रहोगे। और जो हमेशा प्रकाश में रहेगा वो कभी अज्ञान में नहीं रहेगा, और अज्ञान में नहीं रहेगा तो कोई उसको ठगेगा नहीं, वो भगवान का भक्ति अवश्य करेगा, भक्त अवश्य बनेगा, और निश्चित रूप से भगवान के धाम जाएगा, भगवत प्राप्ति करेगा। एक बुक निकलती है, उसका नाम है भगवत दर्शन, आध्यात्मिक किताब है। प्रभुपाद जी उस किताब को लेके घूमते थे जब हिंदुस्तान में प्रचार कर रहे थे, तो उस समय इंग्लिश में निकलती थी, उसका नाम था बैक टू गॉड हेड। प्रभुपाद जी उस किताब को खुद छाप लिखते थे, फिर टाइप करते थे और दो दो रुपए में बेचते थे, और कई बार तो धूप में बेहोश हो जाते थे, फिर उनको लोग उठाते थे और समझाते थे, आप बूढ़े हो गए हो, क्यों आप प्रयास कर रहे हो, आराम करिए, अभी इस उम्र में 65 ईयर में क्यों ऐसे सब आप इतना जोखिम धूप में सुबह शाम कर लिया करिए। और उनको लोग होश में लाते थे, पानी वानी पिला के, लेकिन वो फिर बांटते रहते थे लोगों को, और जो धन मिलता था उससे फिर दूसरे ग्रंथों को लिखते थे और टाइप करके फिर लोगों तक पहुंचाते थे, ताकि लोगों का ज्ञान बढ़े। हम लोग भी यहाँ पे ग्रंथ तो नहीं बांट रहे, टाइप करके खुद से लिख के उनके ग्रंथों को जो उन्होंने लिख के गए, हम लोगों को सुविधा बना के गए, छोड़ के गए, वही स्टॉल पे सजाया है, आप सबके कल्याण का, हम सबके आनंद के लिए, आप सब भी उसको लेके आनंद कर सकते हैं, और हमेशा ज्ञान के प्रकाश में अपना जीवन कृष्णमय बना सकते हैं, कृष्ण का प्रेम पा सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। तो साधु संत महात्मा कहते हैं असली शिष्य वो है, असली चेला वो है, जो गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान को जन जन तक पहुंचाए, और उनको कहीं भी फंसने से, अटकने से, लटकने से, लूटने से बचाए। कहते हैं कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण है वहां माया का नहीं अधिकार। कृष्ण कैसे है, सूर्य के समान है, या ऐसे कहिए सूर्य है कृष्ण सम, सूर्य जो है वो कृष्ण के समान है, और बाकी सब कुछ माया है, अंधकार है, और जहां कृष्ण रहते हैं वहां अंधकार नहीं रहता है, जहां सूर्य रहते हैं वहां अंधकार नहीं होता है। तो हमेशा कृष्ण के और सूर्य के प्रकाश में रहिए। तो साधु संत महात्मा हम लोग को सिखाते हैं कि मुंह सूर्य की तरफ करके चलो। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य सुबह इधर निकलना है और जाना है चर्च गेट तो इधर ही जा रहे। प्रभु जी ने बोला था कि सूर्य की तरफ मुंह करके चलना, और ऑफिस में अब्सेंट लगाए जा रहे और पेमेंट काटे जा रहे, और घर वाले फिर निकाल दिया घर से, बोले वो गुरु जी ने सिखाया था सूर्य की तरह चलना, वही तो कर रहा हूं। उसके अर्थ को ठीक ठीक समझिए, प्रकाश में रहिए। प्रकाश में रहना मीन्स कृष्ण भावना भावित रहिए। कृष्ण भगवान ने जो हमारे परम पिता परमेश्वर है, जो उन्होंने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के प्रकाश में रहिए। लोगों से ठगाइए मत, प्रेयस में मत फंसिए। श्रेयस जो श्रेष्ठ वस्तु है, सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, परम वस्तु है, उसको अपनाइए। ये गीता जो आज राष्ट्रीय ग्रंथ बनाई जा रही है, या हम कहते हैं हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है या धर्म ग्रंथ है, उसको छोड़ के हम लोग अनेक अनेक मनगढ़ंत ग्रंथ पढ़ते रहते हैं। ये बाबा जी का चालीसा है, ये लक्ष्मी जी का पोथी है, ये उनका पोथा है, क्या नहीं पढ़ते हम लोग, अनेक अनेक प्रकार के शास्त्र पढ़ते,
भगवत गीता चोर के, अनेक अनेक प्रकार के, और परिणाम क्या होता है, एकदम बुद्धू के बुद्धू, एकदम कर्मी के कर्मी, भोगी के भोगी, एकदम मंदमती महापापी बन जाते। और एक महात्मा जी बता रहे थे, इसमें एक और भी योगदान है, आहुति है माता पिता का। क्या आहुति है बोलते, ऐसे क्यों मंदमती बच्चे आज निकलते, पहले के लोग रामायण और गीता ही पढ़ते थे, महाभारत और भक्त माल या श्रीमद् भागवतम ही पढ़ते थे, इतना बाबाओं का प्रचलन नहीं था। हर कोई शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी को व्रत और उपवास रखता था, एकादशी का व्रत करता था। लेकिन आज आज के बच्चे नहीं करते, बोलते आई डोंट बिलीव। क्या कहते हैं, आई डोंट बिलीव इट, सीइंग इज बिलीविंग। क्या है, सीइंग इज बिलीविंग, जो दिखता है वही मुझे समझ में आता है। इस पर ज्यादा चर्चा ना करूं क्योंकि कर चुका हूं, बट उसको थोड़ा सा रिमाइंड करता रहूंगा। आप देख रहे थे परम पूज्य श्री मधुमंगल दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत कथा का विशेष प्रसारण। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, जन जन तक हरिनाम पहुंचता रहे। भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी अपने स्वयं के स्थान में विराजमान हो सके, इसके लिए आप सभी दानदाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर भगवान की कृपा एवं प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्ण।